गुस्ताख़े रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये एक पर्चा था जो मेरे पीछे मकान नज़र आ रहा है आपको, इस मकान के बाहर चिपका हुआ मिला। जब यहाँ के निवासी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मनोज उनका घर है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं उनके घर के पीछे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो पर्चा था वो यहाँ मिला था, जिसमें लिखा हुआ था, गेट पर एक पर्चा चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, गुस्ताख़े रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। उदयपुर में इस तरह का मामला हो चुका था, उसके बाद में चुनाव का माहौल है तो एक सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव विषय था, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई इस बात को लेकर कि कोई आदमी आता है और पर्चा चिपका के चल जाता है, अज्ञात लोग कौन हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो मनोज है उसका मकान है, और मकान के पीछे जो गेट आपको नज़र आ रहा है, इस गेट पर वो पर्चा चिपकाया गया था। पुलिस सब तरीके से सारी चीज़ों की जांच कर रही है, घर की पूरी तलाशी ली जा रही है और उन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, सेंसिटिव मुद्दों पर कि किस तरीके से ये वाकया हो सकता है और कौन लोग इसको पर्चे को चिपका सकते हैं। चुनाव का माहौल है, उस नज़रिए को भी ध्यान में रखा जा सकता है। एडिशनल SP मेरे साथ है, मैं उनको आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ, दिलीप सैनी जो सर किस तरह का मामला है, क्या मामला है? अभी सुबह ही जानकारी में आया कि मनोज परिवादी हैं, इन्होंने ये बताया कि जब ये सुबह उठे तो इनको अखबार लेने के लिए, तो इनको सुबह अपने दरवाजे के सामने एक पेपर मिला, इसके अलावा एक पेपर दरवाजे पे चिपका हुआ था, उस पर कुछ इस तरह की बात लिखी हुई थी कि सर से गर्दन जुदा कर देंगे। तो ये बात इन्होंने अपने कुछ पड़ोसियों को बताई और फिर पुलिस में इस संबंध में इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जारी है, डॉग स्क्वाड है, फिंगरप्रिंट भी लेंगे, FSL भी काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलुओं पर देख रहे हैं, सबसे प्रायोरिटी तो सुरक्षा की है तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। सर एक बात हो रहा है, जैसे चुनाव का माहौल है तो चुनाव के माहौल में किसी की शरारत भी ये हो सकती है, ऐसा कहीं लगता है क्या? किसी भी बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता, शरारत भी हो सकती है और वास्तविकता भी हो सकती है। हम हर एक बात जो हमारे पास आती है रिपोर्ट, उसको वास्तविक मान के ही काम करते हैं, झूठी भी रिपोर्टें आती हैं तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। तो अब तक कहां तक जांच पहुंची है इस मामले अभी तो मौके पे जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चूँकि अभी आने के बाद अभी इनके भी इनसे खुद से भी विस्तृत पूछताछ होगी, परिवारजनों से और इससे संबंधित जो लोग हैं उनसे होगी, तो वर्कआउट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर टॉप प्रायोरिटी है सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसमें कोई किसी भी तरह की हम ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और सभी पहलुओं पे सभी एंगल पे जांच करेंगे, किसी भी बात को हम रूल आउट नहीं करेंगे। कोटा पुलिस सभी एंगल पे जांच कर रही है, आपने देखा कि एडिशनल SP स्वयं यहाँ मौजूद हैं मौके पर, कुछ लोग हैं जो मैं उनसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ आपको। आपका नाम क्या है? सुनील गहलोत। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं माली समाज से हूँ और ये हमारे मनोज सुमन माली समाज का पदाधिकारी भी है। सुबह जब इसका कॉल आया कि ऐसा कोई पर्चा है तो हम तुरंत इसके घर पहुँचे और पुलिस के पास इसकी सूचना दी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके यहाँ पर जाब्ता भिजवाया और सुरक्षा प्रदान की। माली समाज सिर्फ यही चाहता है कि इसमें जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द पकड़कर उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा ना हो, ऐसा भय का माहौल ना बने किसी में भी, तो यही पुलिस से हमारी डिमांड। अच्छा, अभी मनोज जी हैं यहाँ पे? जी, मनोज जी यहीं हैं, जो पुलिस की जांच है उसमें सहयोग कर रहे हैं और हम अभी आ सकते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा बुला सकते हैं आप? हाँ, मैं बता दें। हाँ, वो आ जाएंगे, पर थोड़ा सा जिस तरह का ये कांड हुआ है उससे उनका परिवार थोड़ा सा भयभीत है, क्योंकि ऐसा होना किसी के भी साथ और ऐसे धमकी भरा जो पर्चा चिपका है तो कोई भी परिवार भयभीत हो जाएगा, इसलिए हम समाज के पदाधिकारी सभी यहाँ आए हुए हैं ताकि उनको संबल मिल सके, बल मिल सके, और तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो उसको हम पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं कि पुलिस ने इतनी त्वरित कार्रवाई कर मनोज के परिवार को और मनोज को सुरक्षा प्रदान की, और उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं, जो पीड़ित मनोज हैं जिनके घर के बाहर ये पर्चा लगा हुआ था, पुलिस जांच में वो लगे हुए हैं और मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। मनोज जी, मनोज जी, क्या
प्रकरण था, क्या वाकया हुआ था? प्रकरण तो सुबह जैसे मैं मॉर्निंग में उठा था 7:45 बजे गेट खोल के पेपर पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए गेट खुला था तो एक वाइट पेपर भी पड़ा हुआ था, तो वो मैंने पहले वाइट पेपर ही उठाया क्योंकि कभी पढ़ा नहीं रहता, तो आज तो उठाया तो उसमें वाइट पेपर में लिखा हुआ था ऐसे ही सरतन से जुदा। हाँ नहीं, उसके पहले भी ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी अल्लाह का रसूल का है पैगाम। हाँ अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं जो सरतन से जुदा, और वो इस तरीके से उन्होंने। आप किसी से रंजिश रही है? आपसे रंजिश, आपने पहले भी मुकदमा दर्ज कराया था, मतलब कहा था कोर्ट करवाई थी मैंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे, प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था यहाँ मंदिर प्रांगण में, तो उस टाइम पे ये जैसे पार्क में मंदिर है तो मंदिर प्रांगण ही है, तो इन लोगों ने कुछ लोगों ने बकरा ला कर बांध दिया था मंदिर के सामने और वो आयोजन चल रहे थे, तो मैंने उस टाइम को 19 तारीख को भी बकरा खुलवाया, 19 जनवरी को भी, फिर 21 को भी बोला उन लोगों को, फिर वो प्रोग्राम उन्होंने 22 तारीख का प्रोग्राम होने के बाद उन लोगों ने 24 तारीख को फिर से लाके बांधा, प्रोग्राम निमटने के बाद फिर बांधा, तो फिर उस टाइम को फिर मैंने इन लोगों ने सबने बहुत सारे घरों ने मिलकर मेरे में गाली गलौज करना चालू की, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों सीधे थाने चले गए थे, और मैंने थाने जाकर इनके नामजद रिपोर्ट करवाई थी, तो इन लोगों को पाबंद करके छोड़ दिया गया था उसमें। अच्छा, अभी भाजपा में किसी पद पर हैं आप या किसी? मैं भाजपा OBC मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, बजरंग दल में भी हो आप? हाँ, हिंदू धर्म का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ भाजपा OBC मोर्चा से, RSS से जुड़ा हूँ, स्वयं सेवक हूँ। तो अभी फिलहाल जो पुलिस की कार्रवाई उसे संतुष्ट हो आप? चल रही है जाँच, हाँ, और मैं तो कहता हूँ सत्य घटना सामने आए, जाँच चल रही है। पूरा नाम क्या है? मनोज सुमन। ये थे मनोज सुमन, जो पीड़ित हैं, जिनके घर के बाहर वो पर्चा लगा दिया गया। आप देख सकते हैं जिस बस्ती में ये रहते हैं, ये बॉम्बे नगर योजना बस्ती है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले भी एक उनके साथ वारदात हो चुकी है, राम मंदिर की प्रतिस्थापना जब थी उस समय पर भी कुछ लोग